अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं निज़ामपुर अपने मामू के घर, वहाँ जाकर हम उनका शौक और सेटअप देखेंगे क्या कुछ उन्होंने रखा हुआ है। उन्होंने काफ़ी किस्म के तोते वगैरह रखे हुए हैं, तो दोस्तों अब हम उधर जा रहे हैं, तो मिलते हैं हम आपको उधर जाकर। दोस्तों फाइनली हम अपने मामू के घर आ चुके हैं, तो ऊपर हम छत पर आए हैं, रूम में देख रहे हैं कि काफ़ी यार शौक है, काफ़ी कमाल के तोते यानी कि परिंदे वगैरह हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का सेटअप है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं काफ़ी प्यारे प्यारे यानी के तोते हैं। तो शिरोज भाई ये कौन सी नस्ल है? ये भाई का आर्टर इनो रेड है, इसका बेयर है। क्या बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल का और काफ़ी यानी के प्यारे प्यारे यानी के तोते हैं। तो देखने में यानी कि खुशी होती है कि कितने प्यारे यानी कि अल्लाह पाक की कुदरत है कि कितने कितने प्यारे यानी कि परिंदे वगैरह हमें मिले हैं देखने को। तो ये कौन से हैं नीचे वाले? ये ग्रे का पेयर है। वाओ ये भी काफ़ी प्यारे हैं यार। अच्छा रंग यानी कि इनके अलहदा अलहदा हो जाते हैं, नस्लें अलहदा अलहदा लगते एक जैसे ही हैं वो भी और ये भी, बस वो कलर डिफरेंट है, नस्ल थोड़ी डिफरेंट है। हाँ ऐसे ही है। तो देख सकते हैं दोस्तों कमाल के यानी के सोते हैं, कितने खूबसूरत है यानी कि अल्लाह पाक ने उनके यानी के सर के ऊपर कैसे पर यानी के डेकोरेट किए हुए हैं, तो काफ़ी यार प्यारे हैं। तो दोस्तों अब हम इससे भी नीचे वाले पिंजरे में आ जाते हैं, तो वो लगता है इस वक्त अपने घोंसले में गए हुए हैं। वाओ माशाल्लाह अहमद भाई इसको देखो, कितने कितने प्यारे बच्चे हैं यार इनके। ये रेड आइज है, ये ना मिक्स लगा हुआ है, मिक्स है, रेड आइज लगा है और एक एक बच्चे की आंख जो सी है ब्लैक है और दूसरी में आप ब्लैक है, एक रेड है। हाँ यानी कि इसकी रेड है और इसकी ब्लैक है। ये भी ब्लैक है। हाँ अहमद भाई इसको दिखाओ थोड़ा सा। हाँ तो दोस्तों आपने शिरोज भाई की यानी कि बात सुनी होगी, वो जो सी येलो कलर की बैठी हुई है वो यानी कि फीमेल है और वो ब्लैक कलर का जो है वो मेल है। तो यार काफ़ी कमाल के है। तो दोस्तों ये देखे कितनी प्यारी यानी कि स्पैरो है, छोटी छोटी सी, ये चिड़िया ही यानी कि बोला जाता है, फिंच बोला जाता है, फिंच इसका नाम है, फिंच। काफ़ी कमाल के है यार ये भी। मैंने एक पेड़ से सारे इकट्ठे किए हैं। ये एक पेड़ से किए हैं? एक पेड़ से मैंने इकट्ठे किए। माशाल्लाह क्या बात है। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं कि शिरोज भाई कह रहे हैं कि मैंने एक जोड़े से यानी कि इनको इकट्ठा किया है, तो काफ़ी यार कमाल है, छोटे छोटे से है, कितनी प्यारी यानी कि स्पैरो है। इनका नाम क्या है आपने बताया? फिंच। क्या बात है। तो देख सकते हैं काफ़ी कमाल का सेटअप वगैरह बना हुआ है। तो यार मज़ा आता है ऐसे शौकों को देखने को, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो अब हम इससे नीचे वाले को देखते हैं, ये भी वैसे ही नहीं जो से कमल टीनो, ये भी दोस्तों वैसे के वैसे ही यानी के ऐसे ही लग रहे हैं कि है कॉमन वाइट है, कॉमन वाइट। माशाल्लाह क्या बात है। तो ये भी कुछ उनके तरह ही है, नाम यानी के नस्लें चेंज हो रही हैं। तो ये क्या है, ये भी चिड़िया वगैरह है? ये जावा है, जावा सही। माशाल्लाह क्या बात है दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखकर यानी कि इंसान हैरान हो जाता है। तो इससे नीचे यानी कि कौन से हैं? ये बजरी रेड आइज लगा हुआ है, ये बजरी है और ये रेड आइज है, ये वाला क्या है? माशाल्लाह ये छोटे ऑस्ट्रेलियन वगैरह में आते हैं ना, बजरी ऑस्ट्रेलियन में आते हैं, रेड आइज के कॉलोनी की वैल्यू है। हां बजरी यानी कि ऑस्ट्रेलियन में आते हैं। तो ये जो से हैं वो बजरी और रेड आइज की यानी कि ब्रीड है।
तो ये सभी यानी कि उनके बच्चे वगैरह हैं, तो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये कौन सी नस्ल है, ये काठे इनको कहते हैं, रिंग नेक, रिंग नेक काठे कहा जाता है पंजाबी जुबान में, पंजाबी जुबान में दोस्तों इसको काठे कहते हैं, और वैसे इनको रिंग नेक। तो काफी यार प्यारे हैं ये भी, वो थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, उसकी थोड़ा सा लैक का मसला होगा। शोर भाई ये कपल है जी, ये कपल है भाई, इनसे भी अपने बच्चे नहीं है माशाल्लाह। तो दोस्तों अब ये हमको शोर भाई यही स्पीकिंग करते जाएंगे और हमको यानी कि अपना शौक दिखाते जाएंगे। ये भी एक लावड़ की नस्ल है फिशर, तो ये 13 दिन के अंदर ही है, ये इसने बच्चे भी निकाले हुए हैं माशाल्लाह से। क्या बात है माशाल्लाह। अब हम इसी साइड पे है जी, पसनाटा ब्लैक है इसका पेयर, ये नियर टू ले है बिल्कुल, बस ये अंडे देने वाला है, आने करीब एक आध दिन में से अंडे दे देने हैं। उसके बाद ये भी पेयर ने अंडे दिए हुए हैं, ये अल्बाइनो वर्सेस पसनाटा ब्लैक है इसके अंदर है, मगर बड़ा अच्छा पेयर है ये भी। उसके बाद नीचे भाई फिर लावर है वही अल्बाइनो वर्सेस पसनाटा, इसने दो बच्चे दिए हुए हैं, एक इसका पसनाटा का है और एक इसका अल्बाइनो रेड है इसका, ये स्प्लिट का पेयर, और इसने माशाल्लाह ये देखें अल्बाइनो रेड है इसका बच्चा निकाला हुआ है, ये एक बड़ी नयाब नस्ल है भाई आजकल, इसकी बड़ी डिमांड है। क्या बात है इस रोल भाई, ये एक जैसे क्यों नहीं है? वो अपनी असल में मैंने जब किसी से लिए थे ना, तो उस भाई ने पेड़ बनाए हुए थे, बस वो फिर मैंने भी वैसे ही आके पेयरिंग लगा दी, ये आके बड़ा मजा दिया इन्होंने भाई ने। सही। उसके बाद ये भी वही सेम पेयर है पसनाटा ब्लैक है, इसका मेल है और रेड है इसकी फीमेल है, इसने भी ना अंडे दिए हुए हैं, पर अभी इसने दो अंडे दिए हैं, बाकी इसने भी अंडे देने हैं। अच्छा जी ये है अल्बाइनो ब्लैक है इसका पेयर है, इसने माशाल्लाह ना ये आज ही बच्चा निकाला है माशाल्लाह, ये तो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, ये आज इसका अभी फर्स्ट डे है ना, ये आज सुबह ही निकला है, ये आज सुबह ही मैंने देखा था आके, तो ये आज अभी इसका फर्स्ट डे ही है इनके। ये उसके पेरेंट्स हैं, पेस्टल का मेल है अल्बाइनो रेड सिंपल की फीमेल है, नीचे फिर कामल टी नहीं लगा हुआ है जो हमने तो देखा था, ये भी बड़ा अच्छा पेयर है भाई माशाल्लाह, ये भी अभी बच्चों से फ्री हुआ है, अभी इसने दोबारा लिंक करनी है। तो दोस्तों हम ये जो आपको दिखा रहे हैं ना, अगर आपको इसकी लीड चाहिए हो तो हम शहरोज भाई का नंबर जो है ना वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और स्क्रीन पे भी मैं शहरोज भाई का नंबर लगा दूंगा, तो आप शहरोज भाई से व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत जो है वो परिंदे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है देख के। तो शहरोज भाई ये क्या है? ये भी अल्बाइनो रेड है की फीमेल है, स्प्लिट का मेल लगा हुआ है, ये सारे बच्चे रेड ही निकालता है, पर इसकी बड़ी डिमांड है आजकल, ये रेड है इसका, ये रेड है वो ब्लैक है, वो ब्लैक है मगर स्प्लिट के अंदर है रेड है इसका, तो ये आजकल अल्बाइनो की बड़ी डिमांड है, बड़ा अच्छा ये जा रहा है। उसके बाद नीचे फिर मेरा फिशर का पेयर आ जाता है, ये क्या है? फिशर का पेयर है, लावर्ड की एक नस्ल है, इसने भी अंडा दिया हुआ है एक आधा, अब बच्चों में फ्री हुआ है, अब लास्ट क्लास इनसे क्लास है, इसने भी एक ही अंडा दिया है। उसके साथ ही भाई हमारा फिर पसनाटा रेड है इसका पेयर आ जाता है, ये भी अभी फारग हुआ है बच्चों के, अब इसने अंडे वगैरह देने हैं, साथ अंदर हमारा सेलियन के भी लगे हुए हैं जो के जिन हमारे खानी है उसमें लक्ष्मी लक्ष्मी का पेड़ लगाया हुआ है, ये नीचे भी वही है, इसके सेलिंग के नीचे चार बच्चे हैं, ये मेल है फीमेल अंदर है, साथ इसके चार बच्चे हैं कुछ के अंदर। अच्छा तो शहरोज भाई इनको जो आप दाना डालते हैं वो क्या, जो हम तो कबूतरों को जो दाना डालते हैं वो इनको भी डाला जाता है कि इनको कोई और इनकी कोई और खुराक है?
आप बैठ के मुख्तलिफ है, मेरी मुख्तलिफ है, सिंह को मैं कोई और देता हूँ, मेरा हो रहा है चार पाँच किस्म का दाना लाता हूँ डालने के लिए। तो हमें दाना भी दिखाएं कि आप कौन सा दाना इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं कि जिनको ये भी नहीं पता कि इनको क्या दाना खिलाना चाहिए क्या नहीं, साकल वगैरह को मैं डाल रहा हूँ जी जी, ये मैं खुद ही तैयार करवाता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, अगर आपके पास अच्छे परिंदे हैं तो उसके लिए आपको अच्छी खुराक भी होनी चाहिए आपके पास। ये मैं वो फिंच को डालता हूँ, जावा को डालता हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बाजरा वगैरह ही डाल देते हैं इनको भी। और ये मेरा रिंगनेक है, रिंगनेक है माशाल्लाह। और ये मैं सेरियन को डाल रहा हूँ। दोस्तों आपने ये देख लिया होगा कि इनकी खुराक है, जो जैसे इनकी ब्लीड अलग अलग है ना, वैसे इनकी खुराक भी अलग अलग है। बाकी साथ इनको ताड़ फूल वगैरह होते हैं, कुछ मेडिसिन वगैरह होते हैं, कुछ विटामिन होते हैं, वो देते हैं जी, तो चलाते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी ब्लीड पसंद आई हो, आपने कोई भी परचेज करना हो, ठीक है, तो आप शहरोल भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे इनका व्हाट्सअप नंबर लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका व्हाट्सअप नंबर लगा दूंगा, तो आप शहरोल भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। ये अंडे बाहर निकाले हुए हैं भाई, ये बस खराब हो गए हुए हैं, हमने रखे हैं, जो कभी हम फोसल करते हैं ना अंडे, तो वहाँ उसके नीचे फिर ये यूज कर लेते हैं हम, ये वैसे हमारे खराब अंडे हैं, मगर मैं फोसल के लिए यूज कर लेता हूँ जी। क्या बात है। तो दोस्तों आपको ये सेटअप देखकर काफी आपको भी मजा आया होगा, तो मैंने तो देखा है, मेरा यानी कि काफी ज्यादा इन पर भी यानी कि शौक उठने लग पड़ा है, तो मुझे काफी ज्यादा यानी कि देखने में काफी मजा आया। तो दोस्तों अब हम ऊपर चलते हैं, और ऊपर भी फिरोज भाई ने लेले और बकरियां वगैरह रखी हैं, लेले भी रखे हुए हैं, चलो दोस्तों हम छत पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं, आ जाओ। तो दोस्तों हम ऊपर छत पर आ चुके हैं, और ये देख सकते हैं ये बकरियां और बकरे वगैरह काफी यानी के कमाल के हैं, तो अपने यानी के चिल बोल कर रहे हैं, काफी कमाल का यानी के ऊपर भी व्यू है, काफी इनका यानी के अच्छे तरीके से सेटअप वगैरह है। तो शरोल भाई इधर यानी के ना आपको इनको बंद कर, बारिश वगैरह सर्दी में ये कमरा है, जैसे भाई का मौसम भाई रहते हैं भाई, तो बारिश वगैरह हो या सर्दी में हम ये कमरा ये इनके लिए आपने तैयार किया हुआ, काफी यार कमाल का सेटअप इनको दिया हुआ है, कमरे वगैरह तो ये भी देख सकते हैं आप, ये इनके लिए सेटअप वगैरह बनाया हुआ है, कमाल है यार, कितना कितना शौक हमने रखा हुआ। ये मेरे मामू का यानी कि घर है, ये मेरा कजन है शिरोज, ये उन्होंने सेटअप वगैरह रखा हुआ है, तो काफी कमाल का यार सेटअप है। तो इधर यानी कि उनका दाना वगैरह पड़ा हुआ है, जो पंजाबी जबान में हम वंडा वगैरह तुड़ी दाना कहते हैं, तो इधर रखा हुआ है, तो ये काफी कमाल का ऊपर भी माहौल है, माशाल्लाह कमाल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको इसी तरह के न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, टेक केयर, बाय।